नमस्कार, सिटी टाइम 7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ चंदा यादव। जाने माने पर्यावरण संरक्षण और ट्रीमैन के नाम से मशहूर राजेश कुमार सुमन के नेतृत्व में बेगूसराय के खुदावनपुर प्रखंड के बरियारपुर पूर्वी गांव में बेटी बचाओ पौधा लगाओ अभियान चलाया गया है। इस मौके पर ऑक्सीजन मैन राजेश सुमन ने बताया कि प्रातः लोग बेटियों को उपेक्षित भाव से देखते हैं, भ्रूण हत्या इसका उदाहरण है, इसलिए उन्होंने संकल्प किया है कि बेटियों को बचाने के नाम पर पौधारोपण किया जाए। वहीं पूरे देश में हर घर के सामने फलदार पौधा लगाने का उनका लक्ष्य है। उनका उद्देश्य यह भी है कि जब तक पौधा रहेगा उसका फल, उसकी छाया और पौधा के द्वारा उत्सर्जित किए गए ऑक्सीजन का लाभ मिलता रहेगा। बता दें, पौधा लगाने से पर्यावरण सुरक्षित रहता है और साथ ही प्राण वायु ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती है। बेटियों के नाम से पौधा लगाने पर बेटियों के प्रति हमारी अच्छी भावनाएं जागृत होंगी। जिस तरह पौधा पेड़ बनकर फल व छाया देता है, उसी तरह बेटियां सियानी होकर अपनी ससुराल जाती है और वहां कुल को पल्वित पुष्पित करती है, इसलिए पौधा और बेटी का गहरा संबंध होता है। बता दें चले कि ऑक्सीजन मैन राजेश कुमार सुमन ने पिछले दिनों सागी पंचायत में भी यह अभियान चलाया था। इस जागरूकता अभियान में इंजीनियर प्रीतम शाही, युवा सरपंच रतन बिहारी, ट्रीमैन अशोक कुमार, राजा राम महतो, दयाशंकर प्रभाकर, उमा शंकर कुमार, रोहित कुमार, राकेश कुमार, राजीव कुमार सहित अनेक लोग शामिल थे। खुदावनपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी टाइम 7 के साथ। नमस्कार। मैन के नाम से ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी जानते हैं। मैं ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब का फाउंडर हूं और साथ ही साथ हम लोग सेल्फी विद ट्री कैंपेन चलाते हैं, उसका भी मैं फाउंडर हूं। अभी हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, आगामी 23 अगस्त को वृक्ष माता अमिता देवी बिश्नोई जी का बलिदान दिवस है। 23 अगस्त 1730-31 की घटना है और ये राजस्थान के खेजरली की घटना है। वो खेजरली गांव हुआ करता है, उस गांव में खेजरी का पेड़ हुआ करता था, तो उस पेड़ को बचाने के लिए अमिता देवी बिश्नोई जी ने अपनी प्राण की आहुति दे दी, अपने प्राण की बलिदान दे दिया। उसके साथ साथ वहां 363 लोग खेजरली पेड़ को बचाने के लिए प्राण की आहुति दे दी थी। उसी सम्मान में, अमिता देवी बिश्नोई के सम्मान में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को वृक्ष दिवस मनाई जाती है। तो आज 22 अगस्त है, वृक्ष बलिदान दिवस के पूर्व अवसर पर हम लोग आज रक्षाबंधन भी है। इस अवसर पर हम लोग बरियारपुर पूर्वी गांव, जो बेगूसराय जिला का गांव है, यहां एकत्रित हुए हैं और इस गांव में हम लोग सेल्फी विद ट्री कैंपेन और ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब के माध्यम से पूरे गांव को हम लोग चाहते हैं इको विलेज के रूप में डेवलप करें। पूरे गांव को हम ग्रीन विलेज के रूप में डेवलप करें। पूरे गांव को हम कार्बन निगेटिव गांव के रूप में डेवलप करें। बेटी और वन को बचाने के लिए, बेटी हमारी बचेगी तो हमारा संस्कार बचेगा, वन बचेगा तो हम लोग बचेंगे, हम लोग शुद्ध प्राण वायु लेंगे। अगर 2 मिनट के लिए मेरा या हम लोगों का मुंह और नाक बंद कर दिया जाए तो हम लोग इस धरती पे रह नहीं पाएंगे, इतना ऑप्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि इससे पहले हम लोग सागी इस महीना पर हर घर में बेटी के सम्मान में बेटी के नाम से पौधरोपण मैंगो ट्री लगाया है। हम लोग का प्रयास है बेटी और वन को बचाने के लिए हर घर के दरवाजे पर मैंगो ट्री लगाते हैं, और इसके लिए हम लोग कोई गवर्नमेंट से एड भी नहीं लेते हैं, ना तो हम लोग कोई एनजीओ है, तो कोई ट्रस्ट है, हम लोग खुद अपना निजी पैसा से। लोग दारू शराब पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खा लेते हैं, लोग मंदिरों में लाखों लाख दान कर देते हैं, मस्जिद में लाखों लाख दान कर देते हैं, वो सब हम लोग गलत जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो सब गलत जगह, वो सब पैसा हम लोग बचाकर पेड़ खरीदते हैं और बेटी के सम्मान में बेटी के नाम से हम लोग रोपण करते हैं। पौधा के लिए सबसे पहले तो ये चीज बुक में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को 6 स्टैंडर्ड में भी, कि पौधा ही एक ऐसा है जो खाना स्वयं बनाता है, लेकिन कोई भी ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल्स हो तो पौधा पर ही जनरली डिपेंडेंट हो। और अभी तो हालात देश और विश्व की तो आप देख ही रहे हैं, कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा जो लोगों की डेथ हुई है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो इस पर तो विशेष पहल
सरकार कर ही रही है, सरलों का बेहतर नहीं बहुत बेहतर प्रयास है और इससे पूरे भारत में एक नई कड़ी बन चुकी है। हर राज्य में, हर जिला में लोग जागरूक हो चुके हैं। तो हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जहां भी हो बेनिफिट पौधा से एक भी नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट, चाहे वो जलावन का बेनिफिट मिले या फल का मिले, फूल का मिले, फल और फूल सब लोग चाहते हैं लेकिन उसके लिए सेवा करना नहीं चाहते। इसलिए सेवा की जरूरत है, सेवा रहेगी तभी मेवा मिलेगी और इसमें कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। पौधा ऐसा नहीं है कि किसी जाति धर्म के लिए विशेष रूप से उपलब्ध होगी, ऐसा कोई मैटर नहीं है। इसलिए इसके लिए सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए।